दोस्तों इंडियन मार्केट में वीवो ओप्पो जैसे ब्रांड जो है ऑफलाइन में ज्यादा फोकस करते हैं और इसी के चलते हुए वीवो ने एक सब 20 कैटेगरी के सेगमेंट पे लॉन्च कर दिया है एक नया फोन वीवो वाई 51 2020 को। जी हाँ, यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके सारे के सारे स्पेसिफिकेशन, साथ ही साथ में प्राइसिंग के एंटायर डिटेल्स और कहाँ पे आप इसको ले सकते हो वो भी सारा डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं ड्रोन चैनल, आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। और दोस्तों स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.58 इंच का आपको यहाँ पे फुल व्यू का डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक नॉच जैसे जो डिस्प्ले है वीवो का होता है वैसा यहाँ पे मिल रहा है, पंच होल डिस्प्ले एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 2408x1080 की फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन का एक डिस्प्ले मिलने वाला है जिसका यहाँ पे IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है। तो यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है क्योंकि इस रेंज में ओप्पो जैसे ब्रांड भी आजकल एमोलेड या सुपर एमोलेड दे रहे, तो यहाँ पे अब वीवो जैसे ब्रांड को भी ऑफलाइन सेंट्रिक कस्टमर को सोच के यहाँ पे एमोलेड तो देना ही चाहिए था। बात करें PPI की तो 401 का PPI आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, 20.07:9 का यूनिक एस्पेक्ट रेशियो आपको यहाँ पे स्क्रीन का मिल जाएगा और 90.61% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, यानी आपको 100% फ्रंट का साइज में आपको 90.61% जो है स्क्रीन मिल जाएगा। तो बहुत ही एक बढ़िया एस्पेक्ट रेशियो और बहुत ही एक बढ़िया यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रहा है। साथ ही साथ में रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, फुल HD प्लस का है, लेकिन यहाँ पे एक ही ड्रॉबैक मुझे लगा है कि यहाँ पे आपको LCD मिल रहा है ना कि यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले। बात करें बाकी चीज़ों की तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग जाएंगे फ्रंट कैमरा में और देखते हैं फ्रंट कैमरा में हम लोगों को क्या एग्जैक्टली मिलने वाला है इस वीवो वाई 51 2020 में। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे आपको 16 MP का सिंगल यहाँ पे कैमरा जो है फ्रंट में आपको मिल रहा है, एपर्चर जिसका आपको 2.2 का मिलेगा यहाँ पे। साथ ही साथ में नाइट फोटोग्राफी के लिए सुपर नाइट मोड जैसे फीचर्स जो है फ्रंट कैमरा भी दिया गया है वीवो की तरफ से। तो ये एक अच्छी वाली बात है कि अगर आप बाहर जा रहे हो रात के वक्त काम को खत्म करने के बाद आप घर आते हो या फिर अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप चाहे तो एक अच्छा सेल्फी या फिर ग्रुप सेल्फी को ले सकते हो थैंक्स टू दिस सुपर नाइट मोड जो कि वीवो ने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है फ्रंट कैमरा में भी। अब बात करेंगे यहाँ पे रियर कैमरा की, तो देखते हैं रियर कैमरा में हम लोगों को वीवो वाई 51 2020 में क्या क्या मिलने वाला है। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं रियर कैमरा में आपको यहाँ पे 48 MP का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है जो कि क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके बनाया गया है, यानी आपको बाय डिफॉल्ट जो है 12 MP का कैमरा मिलेगा जो आप चाहे तो उसको 48 तक इंक्रीज कर सकते हो। साथ ही साथ में आपका एपर्चर जो है उसका 1.79 का मिलने वाला, तो नाइट फोटोग्राफी बहुत ही अच्छा यहाँ पे आप ले सकते हो। साथ ही साथ इसमें भी आपको सुपर नाइट मोड का फीचर जो है वो दिया गया है और यहाँ पे नाइट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही एक बढ़िया चीज़ जो है वो होने वाला है। साथ ही साथ में बात करें सेकेंडरी और थर्ड कैमरा की, तो यहाँ पे आपको सुपर वाइड एंगल कैमरा में 8 MP का जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ में 2 MP का आपको यहाँ पे सुपर मैक्रो मोड का कैमरा भी दिया गया है, तो आप चाहे तो मैक्रो मोड का फोटोज भी डेडिकेटेडली यहाँ पे 2 MP कैमरा से ले सकते हो। तो यहाँ पे एक कंप्लीट मेरे ख्याल से पैकेज जो है वीवो की तरफ से कैमरा का दिया गया है, 48 का प्राइमरी, 8 MP का सुपर वाइड एंगल और 2 MP का सुपर मैक्रो कैमरा। आपको कैमरा कैसे लगे आप नीचे मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। सर चलते हैं अभी जल्दी से यहाँ पे प्रोसेसर की तरफ, तो यहाँ पे प्रोसेसर में देख लेते हैं कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे वीवो ने वाई 51 2020 में यूज किया है। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो है वीवो वाई 51 2020 में यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको 2.0 GHz का ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर मिलने वाला है, 11 nm का फैब्रिकेशन यहाँ पे, और साथ ही साथ में आपको एड्रेनो का 610 का GPU यानी फिर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि लास्ट ईयर यानी 2019 को ऑलरेडी वीवो ने खुद यहाँ पे 10,000 के रेंज में सेम प्रोसेसर जो है अपने U10 में यूज़ कर चुका है। अभी पता नहीं एग्जैक्टली कौन से रीजन की वजह से ऑलमोस्ट 20,000 के रेंज के फ़ोन में भी सेम प्रोसेसर जो है यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इवन ओप्पो के A520 यानी कि 12,000 रेंज के फ़ोन में भी ये प्रोसेसर जो है वो यूज़ हो चुका है। तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि फिर से वीवो हाथ धो के इस प्रोसेसर के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि ऑलरेडी ये 1.5-2 साल पुराना प्रोसेसर हो चुका है। तो ये एक सियोरली एक बमर हो सकता है इस फ़ोन को खरीदने के लिए कि आप एक 2 साल पुराने प्रोसेसर को यहाँ पे लेने वाले हो एक नए फ़ोन में जो शायद अब और 1 साल यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जिस हद से चेंज हो रही है तो ये एक ड्रॉबैक इस फ़ोन का डेफिनेटली है। अब बात करेंगे यहाँ पे रैम और रोम की, तो देखते हैं रैम और रोम में हम लोगों को कितना GB रैम और कितना GB रोम जो है वीवो वाई 51 2020 में मिलने वाला है।
दोस्तों वीवो ने यहाँ पे 128GB का इंटरनल जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया है अपने वीवो Y50 2020 में। साथ साथ में इसमें आपको 8GB का LPDDR4X का रैम मिल जाएगा, तो डिसेंट गेमिंग आप इस फोन में कर सकते हो। साथ साथ में एक्सपेंडेबल ऑप्शन का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 1TB यानी 1TB तक का एक्सपेंडेबल ऑप्शन दिया गया है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। फोन जो है ट्रिपल कार्ड स्लॉट का है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया था। आप चाहे तो 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड को यहाँ पे लगा सकते हो। आप बाहर जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप फोन को इजीली सिम स्विच करके यूज कर सकते हो। साथ साथ में आपका इंटरनल अगर 128GB सफिशियंट नहीं है तो आप चाहे तो एक्सपेंडेबल यहाँ पे 128GB या फिर उससे ज़्यादा आप चाहे तो इसको इंसर्ट कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ दिया है वीवो को। तो इस रेंज में आपको 128GB और 8GB का जो है इंटरनल स्टोरेज रैम और रोम जो है वीवो Y51 में मिलने वाला है। और अब दोस्तों बात करेंगे वीवो Y50 2020 की बैटरी के बारे में, तो आपको यहाँ पे मैसिव 5000mAh का बैटरी मिलने वाला है। साथ साथ में आपको 18 वाट का चार्जर जो है यहाँ पे वीवो प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे एक नया चीज़ है कि आपको यहाँ पे 18 वाट का चार्जर मिल रहा है, 5000mAh का बैटरी मिल रहा है, जो कि फोन को 0-70% जो है चार्ज करता है सिर्फ और सिर्फ 67 मिनट्स में, यानी कि 1 घंटे 7 मिनट में आपका फोन जो है 70% चार्ज हो जाएगा। साथ साथ में अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो यहाँ पे डीसेंट बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फोन के लॉन्च के बाद मैं हैंड्स ऑन वीडियो जब दूंगा तब यहाँ पे एंड्योरेंस जो है बैटरी का वो मैं क्लेरिफाई कर दूंगा और अच्छे से। और दोस्तों वक्त हो चुका है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि एक फोन को कंप्लीट नहीं करता है। अगर आप उसको नहीं जानते हो तो शायद ही आप अपना डिसीजन जो है फाइनलाइज कर पाए। तो सबसे पहले बात करेंगे पे फिंगरप्रिंट की, तो आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जो है वो मिलने वाला है, जो कि फोन को 0.248 सेकंड्स में अनलॉक करता है, तो काफ़ी क्विक आपका फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। फोन का थिकनेस जो है 8.38mm का है। वेट की बात करें तो आपको 188mm का यहाँ पे वेट जो है फोन का रखा गया है। प्रोटेक्शन की बात करें सामने के ग्लास की, तो आपको यहाँ पे पैंडा ग्लास का प्रोटेक्शन जो है वो दिया गया है, और फ्रंट टच ओएस 11 और एंड्रॉयड 11 जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 12 जो है इसके बाद जब लॉन्च होगा तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एंड्रॉयड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो आशा करूँगा ये फोन जो है आपको पसंद आया होगा। प्राइसिंग की बात करें तो 70,999 इसका प्राइसिंग जो है वो रखा गया है, तो काफ़ी डिसेंट प्राइसिंग मुझे लग रहा है। ऑफलाइन सेंट्रिक यहाँ पे जो प्राइसिंग होता है ओप्पो वीवो और सैमसंग जैसे ऑफलाइन सेंट्रिक ब्रांड्स की, तो आपको प्राइसिंग या फीचर्स कैसे लगे, फीचर्स वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, आप मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस फोन का हैंड्स ऑन वीडियो या फिर अनबॉक्सिंग वीडियो आप देखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो वो भी मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ ऊपर के स्क्रीन के इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।